राजस्थान के जार्डन पाली में ओम आश्रम का भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आदिकाल से सनातन धर्म के अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसने संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि यह विश्व का पहला ओम आश्रम है जिसने विगत 28 वर्षों की अनवरत साधना के बाद आज साकार रूप प्राप्त किया है। सर्वप्रथम में इस दिव्य ओम आश्रम में विराजे भगवान भोलेनाथ के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। दिव्य ओम आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा के भव्य महोत्सव में आकर अद्भुत अलौकिक अनुभव प्राप्त हो रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी ईश्वरीय विभूतियों का पावन सानिध्य पाकर अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूँ। भारतवर्ष अनादिकाल से सनातन धर्म अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसने संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन किया है, इसलिए विश्व गुरु कहलाता है। यह विश्व का पहला ओमकार में आश्रम है जिसने विगत 28 वर्षों की अनवरत साधना के बाद आज साकार रूप प्राप्त किया है। इस भव्य मंदिर में भारतीय वास्तुकला, शिल्पकला और स्थापित कला का उत्कृष्ट और अद्भुत सामंजस्य इस मंदिर के अंदर है। यह मंदिर पृथ्वी पर ऋषि निर्मित 8 आश्चर्यों में से एकमात्र ओमकार मंदिर है। भारत के अमृत काल में अद्वितीय अद्भुत ओम आश्रम का भव्य उद्घाटन स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर पर होने का साक्षी और गौरव का विषय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में यह समय देश के साथ ही हमारी आस्था और संस्कृति का भी अमृत काल है। यह सनातन धर्म का उदय काल प्रधानमंत्री जी सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरे देश का वातावरण अयोध्या में रामलला आ गए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का सदियों पुराना सपना पूरा किया है। हम देखते हैं कि इस देश के अंदर जिस तरह से हमारी पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने अपमान सहा था, हमारी सांस्कृतिक विरासतों को नष्ट कर दिया था, हमारे उन सांस्कृतिक चिन्हों को मिटाने का काम किया था, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक चिन्हों की विरासतों को पुनर्स्थापन करने का काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत कोट कोट बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे धार्मिक केंद्र, हमारा पुनर्स्थापना तो हो रहा है लेकिन इसके साथ दुनिया में हमें सर्किट बना करके धार्मिक पर्यटन का भी हम विकास कर रहे हैं। जहां भी हमारे क्षेत्र के अंदर धार्मिक पर्यटक हैं, ऐसे स्थान हैं, हम उनको सर्किट से जोड़ करके उसे धार्मिक स्थल बना रहे हैं। अभी अभी हमने हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में हमारी सरकार ने धार्मिक सर्किट बनाने का काम किया है और उसके लिए हमने चाहे हमारा बेणेश्वर धाम हो, हमारी त्रिपुरा सुंदरी माँ हो, चाहे प्रतापगढ़ में सीता अभ्यारण्य हो, उसे जोड़ करके हम एक नया तीर्थ सर्किट स्थापित हुआ करने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं मित्रों, हमने जो हमारे मंदिर हैं, जो जीर्णोद्वार के काम हमें करने हैं, इसके लिए हमने 300 करोड़ रुपए उनके लिए रखा है। चाहे हमारा खाटू श्याम मंदिर हो, सालासर मंदिर हो, बेनीपुर बालाजी हो, हमारा पूछरी के भगवान कृष्ण के गिरिराजी पर्वत हो, इस तरह से हमने पूरा काम इसमें किया है। हमारी सरकार निश्चित रूप से इनको जोड़ते हुए हमारा, हमने महाराणा प्रताप जो हमारा गौरव केंद्र हमारा है, उसके हिसाब से हमने 100 करोड़ रुपए उदयपुर से लेकर के उनकी जन्मस्थली से लेकर के चित्तौड़ दुर्ग से लेकर के एक बहुत बड़ा
स्मारक वहां भी बनने वाला है। हमारी कृष्ण भक्त मीराबाई, हमने उनका स्मारक बनाया है, लेकिन उसको भी हम आगे विकसित करने की हमारी योजना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार जिस संकल्प पत्र को लेकर के आई थी, निश्चित रूप से उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम।